स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 1.6 इन हिंदी। तो चलिए हम बिना समय गवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.6 का 1.6 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया है, क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n ऑफ x बराबर 17, n ऑफ x बराबर 17 है और n ऑफ y बराबर 23 है, तो और n ऑफ x यूनियन y बराबर दिया है, n ऑफ x यूनियन y बराबर दिया है 38 दिया है, तो n of x intersection y, n of x intersection y बराबर आपको निकालना है, ठीक है ना, बराबर आपको निकालना। देखो ये है क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो सेट है, एक सेट x है और एक सेट y है, ठीक है ना। तो सेट x, ये इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ x, मतलब जो सेट x है उसमें जो एलिमेंट है या समुच्चय, मतलब एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या 17 है, मतलब 17 है, और समुच्चय वाई में, सेट वाई में अवयव कार्डिनल नंबर ऑफ वाई, मतलब सेट वाई में अवयवों की संख्या 23 है, और दोनों में एक्स यूनियन वाई दोनों को मिलाने पर एलिमेंट्स की संख्या 38 है, तो एन कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। कहने का मतलब है हमें ऐसे एलिमेंट्स को निकालना है जो एक्स में भी है और वाई में भी है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। आपका एक सूत्र है सिंपल सा, वो आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या है, सूत्र ये है कार्डिनल नंबर ऑफ, ये सूत्र है, ठीक है ना, कार्डिनल नंबर, अब एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ वाई, ठीक, माइनस, देखो सूत्र क्या होता है, पहले हम सूत्र आपको बता देते हैं। सूत्र ये है, अगर दो समुच्चय ए और बी है उनके लिए सूत्र होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, फिर माइनस माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सेट ए और बी के जगह पर सेट एक्स और वाई है, तो यहाँ ए की जगह पर एक्स हो गया, बी की जगह पर वाई हो गया, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कॉर्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, ठीक है ना, बस हो गया। कॉर्डिनल नंबर ऑफ एक्स के जगह पर कितना हो गया 17, कॉर्डिनल नंबर ऑफ वाई की जगह पर कितना हो गया 23, ठीक। फिर माइनस करिए कॉर्डिनल नंबर ऑफ, यही हमें निकालना है, तो इसको आप ऐसे रख दीजिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई, कॉर्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दिया है 38, तो 38 हो गया। अब इसको आप जोड़िए, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, ऐसे यहाँ जोड़ लीजिए, देखिए 17 में 23 को जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 एक क्लोजर हो गया हासिल, 2 1 3 1 4 तो हो गया आपका 40, ठीक है ना। अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो जब आप इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस 38 हो जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 40 से 38 जाएगा तो 2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए बस। दूसरा नंबर में दिया है, यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय है, कह रहा है एक्स और वाई दो समुच्चय है कि एक्स यूनियन वाई में 18, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर 18, ठीक है ना, मतलब 18 एलिमेंट है एक्स और वाई को मिला के रखने पर, एक्स में 8 है यानी कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स बराबर 8 दिया है, फिर उसके बाद में दिया है वाई में 15 है यानी कार्डिनल नंबर ऑफ वाई बराबर दिया है 15, तो ये 15 हो गया, 15 है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने होंगे, यानी हमें निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही हमें निकालना है, सूत्र पे रख दीजिए, यही सूत्र है, बस यही सूत्र है, इसी पर रख दीजिए, एकदम हलवा चुटकी में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है ना। तो क्या करना है, एक की जगह पर एक्स रखिए, वाई की जगह पर बी रखिए, तो जाएगा कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एक्स प्लस कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ वाई माइनस कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। आप देखो कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एक्स, एक्स में अवयवों की संख्या कितना है, आठ है, आठ रखिए, वाई में अवयवों की संख्या कितना है, पंद्रह है, पंद्रह रखिए, माइनस करिए, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ये आपको निकालना है। और ये दिया है, कितना दिया है, एक्स यूनियन वाई में एलिमेंट नंबर कितना है, अठारह, तो अठारह हो गया। अब पंद्रह में आठ जोड़ दीजिए, यहाँ प्रेम से पंद्रह में आठ जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तेईस हो जाएगा, तेईस लिख दीजिए यहाँ, इसको ले आइए इधर, ये अठारह को इधर ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और इसको उधर ले जाइए, पक्षांतर कर दीजिए राइट साइड में, दाएं पक्ष में, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जब 23 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, पांच बचेगा, सिंपल सा बात है। तो क्या मिला, क्या मिला, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर क्या मिला, 23 में से 18 गया, क्या मिल गया, पांच मिल गया, एकदम हलवा, एकदम हलवा, एकदम हलवा। आपके समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल, बहुत इजी, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता क्लास 11 में, और सिंपल है, बस यही एक आपको सूत्र याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसी फार्मूले को रख दीजिए, खटाक से उत्तर ले लीजिए। चलिए तीसरे पे आते हैं, तीसरे को देखते हैं, तीसरे में क्या दिया, 400 व्यक्तियों के समूह में, व्यक्तियों की समूह, समूह मतलब मिलाकर, देखो समूह क्या है, क्या है, ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप मीन्स सभी लोगों का, सभी लोग जहां पर मिलकर रहते हैं उसी को ग्रुप या समूह कहते हैं। तो समूह कहां बनता है, यूनियन में, कहां बनता है, यूनियन में बनता है। तो यूनियन का मान दिया है, ठीक है ना, दिया है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 लोग हिंदी, 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए ना, मान लीजिए, माना हिंदी बोलने वालों की संख्या, माना हिंदी बोलने वालों की संख्या, वालों की संख्या, ठीक है ना, एन ऑफ ए बराबर मान लीजिए कितना, 200, कितना दिया है, 200 दिया है ना, कितना दिया, नहीं 250 दिया है, तो ये 250 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में मान लीजिए, इसी तरह से मान लीजिए, माना अंग्रेजी, माना अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, इसको कार्डिनल नंबर आप बी बराबर 200 मान लीजिए। अब पूरा समूह, समूह का मतलब अंग्रेजी और हिंदी मिला करके कितना, 400, ठीक है ना, यानी क्या, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी मतलब, और क्या दिया है, पूरे समूह में टोटल, यानी एन ए यूनियन बी बराबर दे दिया है कितना, 400। अब हमें निकालना है ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, यानी हमें कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर निकालना है। जादू, ये फार्मूला रख दीजिए, ये फार्मूला रख दीजिए, फार्मूला क्या है, फार्मूला हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, डायरेक्ट देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसी पे रख देना है, बस हो गया, एकदम चुटकी में आसान, और हो गया काम तमाम, ठीक है ना यार। एक लाइक शेयर तो जरूर बनता है, प्लीज अगर समझ में आ रहा होगा तो जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो देखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या दिया है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए दिया 250, तो 250 हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ बी आप क्या दिया है 200, तो 200 हो गया, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है 400, पूरा झुंड में 400, तो ये हो गया 400, ठीक है ना। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 450 आएगा ना,
450 ये आएगा ना, माइनस 400 कर देंगे और 450 से 400 जाएगा तो 50 आ गया, यानी ये आपको मिल गया, क्या मिल गया, ये आपको मिल गया क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 50 मिल गया, यानी 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलेंगे और अंग्रेजी भी बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे और अंग्रेजी भी बोलेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से समझ रहे होंगे और बहुत इजी है, कठिन भी नहीं है। अब समझेंगे क्यों नहीं, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 को 4 दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को 4 दीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं, कह रहा है दो समुच्चय हैं, एक यस है और एक टी है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यस में 21, यानी समुच्चय यस में 21 अवयव हैं, तो यन बराबर हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ यस बराबर हो गया 21। आगे देखो क्या कह रहा है, समुच्चय टी में 32 हैं, समुच्चय टी में 32 एलिमेंट हैं, तो समुच्चय टी में यानी कार्डिनल नंबर ऑफ टी बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यस इंटरसेक्शन टी में 11, यानी कहने का मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ यस इंटरसेक्शन टी मतलब क्या, 11 लोग ऐसे हैं जो यस में भी है और टी में भी है, 11 एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो समुच्चय यस में भी है और समुच्चय टी में भी है, तो ये बराबर हो गया 11। अब निकालना क्या है, निकालना है यस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ यस यूनियन टी बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है। बड़े ही आसानी से आराम से निकाल दीजिए, सूत्र रख दीजिए, कार्डिनल नंबर ऑफ, यही सूत्र हमें लिखना है, यही सूत्र हमें लिखना है। यहाँ ए यूनियन ए बी था तो ए यूनियन बी हो गया, यहाँ यस टी है तो यस यूनियन टी हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो ये हो जाएगा यस यूनियन टी बराबर। अब क्या भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ यस प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ टी, ठीक, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ यस इंटरसेक्शन टी। अब देखो क्या है, बहुत इजी है, कार्डिनल नंबर ऑफ यस में अवयवों की संख्या 21, टी में अवयवों की संख्या 32, दोनों में ऐसे एलिमेंट जो यस में भी टी में भी 11। अब इसको जोड़िए, दो में जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, माइनस 11 कर देंगे तो 3 से जाएगा 2 होगा, 5 से जाएगा 4 होगा, तो हमारा आ गया यन कार्डिनल नंबर ऑफ यस यूनियन टी बराबर, ठीक है ना, कितना 42, कितना आया 42 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और फटाफट हो गया, फटाफट अंदाज में ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं, बात समझा करिए, कह रहा है दो समुच्चय हैं एक्स और वाई, एक्स में 40 अवयव हैं, एक्स यूनियन वाई में 60 अवयव हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव हैं, तो वाई में कितने अवयव हैं, वाई में कितने अवयव हैं, छोड़ दीजिए, सूत्र लगाइए, पहले लिख लीजिए क्या दिया है, यक्ष में यानी यक्ष में अवयवों की संख्या 40, कार्डिनल नंबर ऑफ यक्ष बराबर 40, फिर यक्ष यूनियन वाई यानी कार्डिनल नंबर ऑफ यक्ष यूनियन वाई बराबर कितना, 60 दिया है तो 60 हो गया, फिर कार्डिनल नंबर ऑफ यक्ष इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 10, तो 10 हो गया। कह रहा है वाई में कितना है, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ y बराबर हमें निकालना है, बहुत सिंपल, बहुत इजी, सूत्र पे रखो, फट से उत्तर पा जाओ। सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र यही है ना भाई, या कार्डिनल नंबर ऑफ a प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ b माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ a यूनियन b, उसी पे रखना है, वहां a भी था तो ये भी हो गया, यहां सेट xy है तो xy हो जाएगा, यहाँ लिखो इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ x प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ y माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y। बात समझ में आई, बिल्कुल आई,
आई होगी और आप समझ भी रहे होंगे। अब देखो यक्ष में अवयव की संख्या 40 नहीं पता, इसको ऐसे लिख लीजिए। इसका मान पता है कितना है, 10 है तो 10 हो गया। इसका मान पता है कितना है, इसका मान कितना है, इसका मान 60 दिया है तो 60 ही हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना। देखो 40 से 10 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, या आप यन कार्डिनल नंबर आप y बराबर 60, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कार्डिनल नंबर आप y इज इक्वल टू 60 में 10 जोड़ देंगे 70, 70 से 40 जाएगा तो 30। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फटाफट अंदाज में, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आपके समझ में आ रहा होगा, आपको बिल्कुल कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, फटाफट अंदाज में एकदम इजी, एकदम हलवे की तरह। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स को समझते हैं। कह रहा 70 व्यक्तियों के समूह में, समूह है मतलब यूनियन है, ठीक है ना। 70 लोग, 37 लोग कॉफी पीते हैं, तो मान लीजिए, माना कॉफी पीने वालों की संख्या बराबर, मान लीजिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 37, तो ये हो गया 37। फिर चाय पीने वाले, तो माना चाय पीने वालों की संख्या बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ बी बराबर कितना दिया है, 52 दिया है तो 52 लिख दीजिए। और समूह में क्या, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, समूह का मतलब दोनों का, ग्रुप का मतलब ढेर सारे लोगों का, क्या यूनियन संगठन, तो यानी यूनियन बराबर कितना दे दिया है, 70 दे दिया है। कह रहा है ऐसे लोगों को बताइए जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं, यानी हमें निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है, तो निकालिए। इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। बहुत सिंपल, बहुत इजी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है, 37 प्लस कार्डिनल नंबर बी का 52 माइनस ए यूनियन बी का, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का 70 दिया है। 7 में 2 जोड़ देंगे 9, 5 में 3 जोड़ देंगे 8, माइनस करेंगे 70, 9 से 0 जाएगा 9 होगा, 8 से 7 जाएगा 1 होगा, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 19। फटाफट अंदाज में ये हो गया हमारा आंसर, बिल्कुल एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 65 व्यक्तियों के समूह का मतलब यूनियन हो गया, क्या हो गया, यूनियन हो गया। 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ मान लीजिए माना क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया है 40, तो ये हो गया 40। फिर इसी तरह से 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो दोनों खेलने का मतलब, तथा मान लीजिए, ठीक है ना, माना टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ बी बराबर नहीं पता है, कोई बात नहीं है, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों को खेलते हैं, तो दोनों का मतलब कॉमन होगा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होगा, यानी इंटरसेक्शन होगा, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। व्यक्तियों का समूह यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना दे दिया है, दिया है कुल, दिया है 65, तो 65 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 65 हो गया। अब देखो क्या प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि
तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, कितने क्रिकेट को नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस को खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। यानी हमें ये निकालना है, और हमें ये भी निकालना है कितने लोग हैं जो कितने ऐसे लोग हैं जो व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, और कितने व्यक्ति हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं पसंद करते हैं। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं सूत्र हमारा क्या है। सूत्र हमारा यही है क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। कार्डिनल नंबर मतलब अवयवों की संख्या। आप सोच रहे होंगे सर कार्डिनल कार्डिनल बार बार कर रहे हैं, मतलब ए में अवयवों की संख्या, बी में अवयवों की संख्या, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, ठीक है ना। अब देखो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 40 है, तो 40 हो गया। कार्डिनल नंबर ऑफ बी नहीं पता है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 10, तो 10 हो गया इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है 65, तो 65 हो गया। 40 से 10 निकल जाएगा, कितना बचेगा 30 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी बराबर हो गया 65, या कार्डिनल नंबर ऑफ बी बराबर हो जाएगा 65 से 30 को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी बराबर हो गया 65 से 30 निकल जाएगा, 65 से 30 निकल जाएगा, कितना बचेगा 65 से 30 निकलेगा तो कितना बचेगा 35 बचेगा। अब ये 35 क्या है, ये 35 क्या है, 35 जो हमने क्या माना है, टेनिस खेलने वाले को माना है ना, क्या माने हम, 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट टेनिस दोनों खेलते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्रिकेट वाले को क्या मान लिया है, ए मान लिया है, और टेनिस वाले को हमने बी मान लिया है, तो बी का मान निकला तो ये 35 हो गया। अब देखो कहा क्या रहा है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं खेलते हैं, क्रिकेट को नहीं खेलते हैं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो मिला जुला करके ये आपका 35 हो गया। अब करना क्या है, अब इसके बाद में ये तो आपका इसका आंसर हो गया टेनिस का, अब कितने ऐसे लोग हैं कि जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, तो ये हाल है ना, ये 10 इसमें से 10 ऐसे भी है ना, इस 35 में 10 ऐसे भी हैं जो दोनों खेलते हैं, बात समझिए, इसी 35 में 10 ऐसे भी हैं जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, यहाँ लिखिए इसलिए केवल टेनिस को पसंद करने वाले, ठीक है ना, वाले व्यक्ति, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर इसी 35 में से ये 10 क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इस 35 में 10 ऐसे ही है जो क्रिकेटवा को भी पसंद करते हैं, तो क्रिकेटवा वाला घटाना पड़ेगा ना, इस 35 में टेनिस तो खेलते ही हैं, प्लस 10 ऐसे भी हैं जो क्रिकेटवा भी खेलते हैं, तो क्रिकेट वाले को यहाँ से घटाइए, तो 5 से 0 जाएगा तो 5 मिलेगा, और 3 से 1 जाएगा तो 2 मिलेगा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए फटाफट अंदाज में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इजी एकदम इजी, लास्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, इसके बाद एक्सरसाइज हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेटी में माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति बराबर मान लेते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर क्या मान लेते हैं 50, ठीक। फिर इसी तरह से माना क्या है फ्रेंच के बाद स्पेनिश है, माना स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ बी बराबर कितना दिया है 20 है, तो 20 हो गया, 20 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश बोलते हैं, 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, ठीक है ना,
दोनों भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति, भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति बराबर क्या n कोऑर्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो कह रहा है कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखे इसलिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस ठीक माइनस 10 हो गया। 50 में 20 जोड़ देते हैं, 70 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। तो या कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू या कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 60। ये हो गया हमारा डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म। डियर स्टूडेंट्स एक बात हम जरूर कहेंगे कि अगर आपको पसंद आया हो, वास्तव में आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज यार आप एक लाइक शेयर तो जरूर बनता है और अपना प्यार समर्थन सपोर्ट जो दे रहे हैं ऐसे ही देते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो आप हमारे चैनल SST क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 11 के सारे एक्सरसाइज को आप वहां से देख सकते हैं जो हम अपलोड कर चुके हैं इसके पहले वाले, और जो इसके लिंक हैं प्रीवियस वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।